नमस्कार दोस्तों, एग्जोन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या लेके आए हैं, जो कि अभी आने वाला एग्ज़ाम है, जो कि 31 अगस्त को आपको पता है राजस्थान में BSTC का एग्ज़ाम है, और 6 सितंबर को PTT BEd की प्री परीक्षा, BEd के लिए प्री परीक्षा है, PTT का एग्ज़ाम है। इन दोनों एग्ज़ाम के अंदर ये करंट अफेयर और जो वर्तमान में कौन क्या, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। आपको इसके अंदर कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन जरूर इससे आएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए दोस्तों, पहला राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? श्री अशोक गहलोत। इनके पास, अशोक गहलोत जी के पास वित्त मंत्री, गृह मंत्री व कार्मिक विभाग का भी कार्यभार है। तो अगर आपके पेपर में प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का वित्त मंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत, गृह मंत्री अशोक गहलोत। देखिए आपको साथ में, आपको डायरेक्ट ये भी नहीं, इसके साथ साथ आपको कुछ फैक्ट भी बता रहा हूँ मैं आपको, जो कि आपकी आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होंगे। देखिए, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति का जो निर्वाचन अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा? तो 164 नंबर अनुच्छेद के तहत। और राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। आगे देखिए, राज्यपाल, तो राज्यपाल, राज्यपाल कौन है? राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल है कलराज मिश्र, कलराज मिश्र। और राज्यपाल की नियुक्ति आपको पता है किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ दिलाता है जिसी जिसे जिसे अपने राजस्थान का राज्यपाल है, तो इनको शपथ दिलाएंगे राजस्थान जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। और राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत? तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है 153 अनुच्छेद के तहत। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह, जो कि सबसे ज़्यादा समय तक राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। आगे बढ़ते हैं। वो देखिए, एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो राजस्थान की प्रथम महिला एक बार रह चुकी है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आगे देखिए, तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान के अंदर जो वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती, न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती हैं जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये क्रम से अनुसार 37वें मुख्य न्यायाधीश हैं। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, हाईकोर्ट के, इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और इनको शपथ लाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भी, राज्य के अंदर उच्च न्यायालय के अंदर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये नियुक्ति की जाती है राज्यपाल, सॉरी, राष्ट्रपति के द्वारा, और शपथ लाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। और अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है अनुच्छेद 214 के अंदर। राजस्थान का हाईकोर्ट की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जयपुर में हुई थी, लेकिन वर्तमान में इसकी जो मुख्य पीठ है वो है जोधपुर। ये जोधपुर स्थानांतरण कर दी थी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर, सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर जो मुख्य पीठ थी इसको जयपुर से जोधपुर स्थानांतरण कर दिया था। और वर्तमान में खंडपीठ है, एक इसकी खंडपीठ है वो जयपुर के अंदर है। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश शरद शरद अरविंद बोबड़े। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के मुख्य सचिव, अभी इनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है राजस्थान के मुख्य सचिव वर्तमान के अंदर जो श्री राजीव स्वरूप हैं, राजीव स्वरूप, और इससे पहले थे डीबी गुप्ता थे, जिन्हें हाल ही में मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार बनाया गया और मुख्य सचिव पर श्री राजीव स्वरूप को नियुक्त किया गया है। देखिए, जो मुख्य सचिव होता है ये राज्य का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगर आपसे प्रश्न आ जाए राजस्थान का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन है, तो मुख्य सचिव। राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे? के श्री श्री के राधा कृष्ण। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको, जो राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव थी श्रीमती कुशल सिंह, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ज़्यादातर पदाधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है राज्य के अंदर, लेकिन मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। आगे देखिए विधानसभा अध्यक्ष, तो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, सीपी जोशी है, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी। और प्रथम जो विधानसभा के अध्यक्ष थे वो थे नरोत्तम लाल जोशी। और वर्तमान में विधानसभा की सीट कितनी है, 200 सीट है। और प्रथम विधानसभा में कितनी सीट थी, 160 सीट थी। और इस जो प्रथम विधानसभा गठन कब हुआ था, 29 फरवरी 1952 को। ये आपको कुछ फैक्ट है ये याद रखने हैं आपको, ये कहीं ना कहीं हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिए नेता विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो गुलाब चंद कटारिया। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, ये क्वेश्चन भी अभी नया है, ये स्टार लगा लीजिए इस पे आप। तो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि राजस्थान के प्राथमिक शिक्षा मंत्री भी हैं। गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान का कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले थे सचिन पायलट जी, जो कि अभी कांग्रेस के अंदर कुछ खिंचातानी चल रही थी, उसकी वजह से उनको इस पद से हटाया गया है। और अभी गोविंद सिंह डोटासरा को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, दीपक उप्रेती। और इसका गठन जो है, आरपीएससी का गठन है, वो संविधान के 315 नंबर अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद आर्टिकल 315 के तहत किया गया है। और इसकी स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1949 को, मुख्यालय अजमेर। प्रथम अध्यक्ष थे सर एस के घोष। और इनके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो। अगर 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या उस व्यक्ति की, उस अधिकारी की उम्र 62 वर्ष हो जाए, तो उस वो सेवानिवृत्त हो सकता है। इसके जो सदस्य हैं साथ, ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपको बहुत फायदा करेगा। ये हर एग्जाम में, पिछली बार आरएस में आया था, 16 वाले आरएस के अंदर, तो राजस्थान के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, एस के घोष। और एक जो 18 के अंदर आरएस आया था, उसके अंदर आया था राजस्थान के सर्वाधिक समय तक रहने वाले आरपीसी के अध्यक्ष थे, वो डीएस तिवाड़ी थे, डीएस तिवाड़ी। ये को याद रखने हैं। आगे देखिए राजस्थान राजस्व मंडल के वर्तमान अध्यक्ष, तो राजस्थान राजस्व मंडल है अजमेर के अंदर, पटवार वालों के लिए, क्योंकि पटवार की वैकेंसी राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा आयोजित की जाती है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर आर के वेंकटेश्वरन है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1949 को, ठीक है। आगे देखिए ये कुछ, आगे देखिए राज्य सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है उनके सलाहकार कौन है, उनके सलाहकार है डीबी गुप्ता। डीबी गुप्ता इससे पहले क्या थे, राजस्थान के मुख्य सचिव थे, लेकिन अब उनको सचिव पद से हटाकर मुख्यमंत्री सलाहकार बनाया गया है। तो मुख्यमंत्री के जो सलाहकार, इसकी नियुक्ति भी मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। आगे देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो महेश चंद्र शर्मा है, महेश चंद्र शर्मा कार्यवाहक है। और इसकी स्थापना हुई थी राज्य मानवाधिकार आयोग की मार्च 2000 के अंदर। और इसका जो कार्यकाल होता है, जो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम आप लाइक तो ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये जो जानकारी है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही फायदेमंद होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये मुख्यमंत्री राज्यपाल ये बताना, ये तो आपको अलग अलग पढ़ी लेते हैं अपने, लेकिन इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य है, फैक्ट की जानकारी दे रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं चैनल पे, राजस्थान में वर्तमान में क्यों कौन क्या, जो मैंने जनवरी 2020 के अंदर अपलोड किया था। अब उसमें काफ़ी बदलाव हो गए हैं, तो उस बच्चों की मांग थी कि सर उसको अपडेट करो अपडेट करो, तो मैं आज अपडेट कर रहा हूँ उसको, देख लीजिए। आगे है तो देखिए राजस्थान मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे, ये थी कांता भटनागर थी, कांता भटनागर महिला थी। और इसका जो अध्यक्ष होता है ये उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश रहा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, तो राजस्थान राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, श्री सुरेश चौधरी जी हैं, सुरेश चौधरी जी। आगे देखिए राजस्थान राज्य के मुख्य सचेतक, तो मुख्य सचेतक कौन है, महेश जोशी, महेश जोशी। आगे देखिए राजस्थान राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, श्री प्रेम सिंह मेहरा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है,
ये किसी राज्यपाल के द्वारा, और इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। आगे देखिए, राजस्थान राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तो राजस्थान राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी है प्रवीण गुप्ता, इनकी नियुक्ति हुई है, इनको नियुक्त किया गया जुलाई के अंदर, जुलाई 2020 के अंदर। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक, तो पुलिस के जो महानिदेशक हैं वो भूपेंद्र सिंह यादव। प्रश्न देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RBSC, राजस्थान RSSB, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो जयपुर के अंदर है, जो कि पटवारी की परीक्षा हाल ही में आयोजित करवाएगा, उसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है बाबूलाल जटावत, BL जटावत या बाबूलाल जटावत। आगे देखिए, पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो राजस्थान में पांचवा वित्त आयोग चल रहा है, जिसके जो अध्यक्ष हैं जो डॉक्टर ज्योति किरण है, और जो प्रथम वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल। आगे देखिए, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? संगीता बेनीवाल। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, आपको आने वाली परीक्षा के अंदर बहुत ही, इस जो मैं आपको करा रहा हूँ वीडियो, इससे आपको ग्रुप डी से लेकर आपको फर्स्ट ग्रेड तक के एग्जाम में आपको ये इस वीडियो से प्रश्न आते दिखाई देंगे, देख लेना आप, जरूर नोट कर लेना ये बात। आगे देखिए, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, तो राजस्थान राज्य पिछड़ा अन्य पिछड़ा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जितेंद्र राय गोयल, जितेंद्र राय गोयल। आगे देखिए, जवाहर कला केंद्र JKK, जवाहर कला केंद्र जयपुर केंद्र है, ये जयपुर के अंदर है, इसके जो महानिदेशक हैं वो किरण सोनी गुप्ता। ये क्वेश्चन भी पीछे से पूछा गया था पिछले एग्जाम में, ज्वार कला केंद्र के महानिदेशक, तो ज्वार कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1991 के अंदर। किसने देखा है क्या? देखा तो कमेंट जरूर करना। जयपुर के अंदर है ये कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज के सामने सामने है। तो ज्वार कला केंद्र का डिजाइन जो तैयार किया था वो क्या था? चार्ल्स कोरिया ने बनाया था। किसने? चार्ल्स कोरिया ने। आगे देखिए, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको, रिको के अध्यक्ष कौन है? कुलदीप रांका। तो आप कमेंट करके बताना रिको की स्थापना कब की गई थी, आपको ये कमेंट करके बताना रिको की स्थापना कब की गई थी। तो वर्तमान अध्यक्ष इसके कुलदीप रांका। आगे देखिए, राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, तो राजस्थान ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो जनार्दन सिंह गहलोत है। और ये जो क्वेश्चन है इन सभी की PDF आपको मिलेगी हमारे एग्जोन क्लासेस के जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चैनल आप जाके या आप सर्च मारिए जाके टेलीग्राम के अंदर एग्जोन क्लासेस, एग्जोन क्लासेस, तो आपको ये क्लासेस लिखोगे तो आपको लिंक आ जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। तो हम वहाँ पे नई नई अपडेट करते हैं रोज़ के, करंट अफेयर भी उनका वीडियो भी PDF डालते हैं वहाँ पे, और इसकी PDF भी आपको वहीं पे मिलेगी। आगे देखिए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA के अध्यक्ष, तो RCA राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का कहाँ पे मुख्यालय है? जयपुर के अंदर है, जो मानसिंह स्टेडियम है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है वैभव गहलोत। अगला ऑप्शन देखिए, जन लेखा समिति के अध्यक्ष, तो जन लेखा समिति होती है, इसके अध्यक्ष होते हैं जो प्रतिपक्ष के नेता होते हैं, तो इसके अध्यक्ष हैं गुलाबचंद कटारिया, गुलाबचंद कटारिया। और आपको कुछ जो कैबिनेट मंत्री राजस्थान के उनके बारे में बता दूं, लेकिन मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है राजस्थान का, राजस्थान का मंत्रिमंडल 2020, आप देख सकते हो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर, और नहीं तो आप अगर यूट्यूब के अंदर जाके सर्च मारोगे राजस्थान का मंत्रिमंडल, तो आपको सबसे ऊपर हमारा वीडियो दिखाई देगा, आप जरूर देखें। उसके अंदर मैंने पूरे 23-24 मंत्री पूर्व का विद फोटो अच्छी तरह विवरण दिया हुआ है मैंने, आप जरूर देखें वीडियो। आगे देखिए, जो राजस्थान कृषि मंत्री कौन है? तो राजस्थान के कृषि मंत्री है लालचंद कटारिया, वहाँ आएगा गुलाबचंद कटारिया भी ऑप्शन में दिया होगा, याद रखना। तो कृषि मंत्री है लालचंद कटारिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, एकमात्र महिला मंत्री है ममता भूपेश, आपको ये याद रखना है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान ऊर्जा मंत्री कौन है? तो ऊर्जा मंत्री है BD कल्ला, बुलाकी दास कल्ला। राजस्थान राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है? रघु शर्मा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है रघु शर्मा। शिक्षा मंत्री, ये काफी पूछा जा सकता है, BSTC वालों, जो देखिए प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, BSTC के जो टीचर बनते हैं BSTC करने के बाद वो प्राथमिक शिक्षक बनते हैं, और प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं वो गोविंद सिंह डोटासरा हैं।
गोविंद सिंह डोटासरा को एक नया पदभार दिया गया है, राजस्थान कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान के अंदर वर्तमान में जो साक्षर दर है वो 166.1 है, ये आपको पूछी जा सकती है। और उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? बवरलाल भाटी, बवर सिंह हैं, भाटी हैं। राजस्थान के खेल मंत्री कौन है? श्री अशोक, श्री अशोक। उद्योग मंत्री कौन है? प्रसादी लाल मीणा। राजस्थान के कृषि मंत्री एवं पशुपालन विभाग मंत्री लालचंद कटारिया, ये ऊपर मैंने बता दिया, दोबारा से बता रहा हूँ, लालचंद कटारिया। और राजस्थान के वित्त मंत्री पूछा जा सकता है, राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है? राजस्थान के गृह मंत्री भी अशोक गहलोत जी हैं, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय गृह अशोक जी गहलोत के पास है, ये आपको जरूर याद रखना है। आगे देखिए, खनन मंत्री, खनन या खान मंत्री है प्रमोद भाया, श्री प्रमोद भाया। परिवहन मंत्री है प्रताप सिंह खाचरीवास, पैसे परिवहन, पैसे प्रताप सिंह खाचरीवास। ये पूछा जा सकता है, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग मंत्री है श्री शांतिलाल धारीवाल, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री सतीश जी पूनिया। आगे क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के राज्य महाधिवक्ता, तो राजस्थान के राज्य महाधिवक्ता हैं एम एस सिंघवी, एडवोकेट जनरल जिसे बोलते हैं, एडवोकेट जनरल भी बोला जाता है, एडवोकेट जनरल ये हैं एम एस सिंघवी। और इनकी नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल के द्वारा, और ये 179 177 के तहत विधानसभा के अंदर अपना भाषण दे सकते हैं। राजस्थान के राज्य के महाधिवक्ता हैं एम एस सिंघवी, और ये आर्टिकल 177 के तहत राजस्थान विधानसभा के अंदर अपना भाषण दे सकते हैं, याद रखिए। राजस्थान कर बोर्ड के अध्यक्ष तो श्री गिरिराज सिंह हैं, राजस्थान कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? श्री गिरिराज सिंह। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर धर्मपाल जारोली, डॉक्टर धर्मपाल जारोली। दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की जो नियुक्ति हाल ही में नियुक्त किए गए हैं या पूर्व में, तो मैंने सोचा अभी आने वाला BSTCC का एग्ज़ाम है और PTT का एग्ज़ाम है, जिसलिए बच्चों को इससे काफ़ी फायदा होगा, तो मैंने ये करवाए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना, कमेंट करके बताना भी इसमें क्या कमी रह गई, अगर कोई गलत बता दिया है तो आप ज़रूर मैंने कमेंट करके बता देना। धन्यवाद दोस्तों।